अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह के रहमत करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, तो फाइनली वो लोग आ चुके हैं। तो फिर चलिए मिलवाते हैं हम आपको उनसे। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। ओहो, मैं आज तो भाई साहब, हाँ मैडम देखिए माशाल्लाह बहुत बढ़िया लग रही हैं। और ये है देखो मेरी नंदा। कैसे बेटा? ठीक बढ़िया। और ये मेरे जीजा जी। अरे यार ये देखो, मैं आया हूँ। हम तीनों बहन भाई। किस एंगल से लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है। कौन सा एंगल सबसे बड़ा? मैं नहीं, मैं हूँ। उसके बाद मैं। देखो बिल्कुल उल्टा हो गया है ना। हाँ। मैं सबसे छोटा तो सबसे बड़ा लग रहा, ये सबसे बड़ी है तो छोटी लग रही। हेलो गाइस। हेलो 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 जी। हेलो जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। सब लोग आ गए, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे हम। हाँ, तो बाबू की फरमाइश, मुनक्के किशमिश बादाम दूध में डालो और मुझे पिलाओ। हाँ तो भाई मेहमान शेमान आ चुके हैं हमारे घर, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे हम। ये हैं अर्शु। थक गए क्या? सच में थक गए? और ये अंग्रेज, इसके बुरे बुरे बाल हैं। बेटी आ जा। नाम क्या है? अंबल। ये अयाज है। और ये कौन है बॉस? और ये नैला। ये तो बड़ी फेमस है। ये मेरा सुपरस्टार, सुपरस्टार बेबी। हाँ तो मैं मेहमानों को नाश्ता कराते समय सूट नहीं कर पाई, इसीलिए मैं सबसे लेट आई। और मेरा गिलास देखिए कितना छोटा है कोल्ड ड्रिंक का। बच्चे अपने समोसा खाते हुए, उसके बाद हम चले जाते हैं छत पर। कितने दिनों के बाद हमारे घर में इतने बच्चे आए हैं सच में, वरना हम और मुजम्मिल ही रहते हैं। बड़ी बाजी पता ही होगा। हाँ तो मेरी बहन साड़ी पहन लेती है और वो आज बहुत अच्छी लग रही है। और भाई के पास गई है, भाई कूलर सेट कर रहे हैं और मैडम सबसे पहले कूलर के सामने खड़ी हो जाती हैं। हाँ तो मेरे छोटे मुन्ने बच्चे खाना खा रहे हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि अभी हमने खाना नहीं खाया है, लेकिन बच्चों को भूख लग रही थी तो बच्चों ने खाना शुरू कर दिया। गाइस देख सकते हैं प्लेट। हाँ तो बच्चों बताओ खाना कैसा बना है? बहुत टेस्टी। हाँ और देखो इन बच्चों ने मुझसे भी नहीं कहा कि खाला खाना खा लो। हाँ तो हम लोग खाना खा चुके हैं, अब हम छत पर आकर बैठ गए हैं। हमारी पंगत लग चुकी है, नैला के साथ खेल रहे हैं, लेकिन मेरा ध्यान पूरा पापा के ऊपर है क्योंकि पापा ने पेप्सी का लास्ट घूट पी लिया। लास्ट घूट पीने में मज़ा बहुत आता है, लेकिन दुकानें अब बंद हो चुकी थी क्योंकि टाइम हो रहा था, रात के 1:30 बज रहे थे और हमें लग रही थी भूख। तो फिर हमने हलीम का भगोना पूरा छत पर ही मंगा लिया, उसके बाद हम लोग खाने लगे। और ये देखिए भाई क्या कर रहे हो? अरे बस करो, अरे बस करो यार, क्या क्या रहे हो? खेल रहे हैं भाई, बच्चे बन गए यहाँ पर। सच में सबके साथ खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और बहुत ही यम्मी बना था हलीम, और इसकी ज़ुबान देखो। और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। ये हो गया है अगली दिन की दोपहर, जिसमें सब लोग बैठे हुए हैं, सब अपने फ़ोन में व्यस्त हैं। आजकल लोग बातें कम करते हैं, फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं। भाभी भी आई हुई हैं और ये जहरा जो कि बहुत प्यासी हो गई, ऐसे जैसे कि ये चल कर आई हो। अब हम जाते हैं कुछ चाय पानी बनाने के लिए, तो हम नीचे आ गए। कहाँ जा रही हो ये तो बताओ पहले। क्या लेकर? खाली चाय। और क्या? ये भी ले लो। क्या ये? क्या दलिया? एयरफोन्स। मुझे लगा दलिया। दलिया चलो। लाइट्स ऑफ। ओके बॉस। अटक गया रे। चल। हाँ हो जाएगी।
गर्मी में चाय पीने का मजा भी कुछ और है गाइस। अच्छी चाय बनाई मैंने, बहुत सुंदर सुंदर है काली चाय। चाय मुझे चाय हमेशा तो गोरी अच्छी लगती है। गोरी पीनी तो कॉफी पियो। ना ना ना, ये कौन है भाई साहब? ओ नाइस, ये है। अरे बताना भूल गया मैं। अच्छा सामने आगे खा रही हूं। यहां हमारी पलटन। क्यों है ये, क्या बात है? ये देखो बुआ जी की साड़ी चलो बात करो। अब बोलो बात करो। मस्ती टाइम, चाय टाइम। यहाँ पर नायला कर रही है वीडियो कॉल और अब हम जाते हैं, होकर आते हैं तैयार बस। हाँ तो मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ और मेरी बहनें अभी तैयार हो रही हैं, तो मैं तैयार जल्दी हो गई हूँ और हम लोग निकलने वाले हैं। अब हमें खुद को नहीं पता कि हम अभी कहाँ जाने वाले हैं, पर देखो भाई हैं साथ में, कहाँ जाते हैं। और सच में बड़ा अच्छा लग रहा है जब सब बहनें मिलती हैं ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, देख लीजिए इतना सुहाना मौसम। माना कि मेरे यहाँ पेड़ कम है, ये हैं बस कुछ ही। वैसे ये मुझे दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरी अप्पी का दुपट्टा है ना। अच्छा मुझे ऐसे इसका बहुत अच्छे लगते हैं, सच में इसका एक अलग ही लुक आता है। नायला को तैयार करना, नायला को तैयार करने। तुम तैयार हो गई? दिखाना ज़रा। अच्छी लग रही माशाल्लाह। शुक्रिया। ये घंटे में तैयार होगी तो यही होगा। ये देखो गरीब आदमी। अभी पहने पहनना है अभी बाकी। सच में ऐसे लग रहा है ताजमहल। क्या अनुष्का शर्मा के। ये ताजमहल, ये तो टिकट लगा के भी देखे जा सकते हैं। मैं कब से तैयार हूँ लेकिन मेरी बहने अभी तक तैयार नहीं हुई है। हाँ कब निकलेंगे हम लोग? शाम के कितने बज चुके हैं? 7:30 बज चुके हैं, अभी कोई पता ही नहीं है। भाई अभी नमाज पढ़ रहे हैं, अजान हो गई है तो निकलेंगे फिर हम। तो है मेरी बहनें घर में चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना लगे, मैं भी घर में, हम लोग इतने बेकार से रहते हैं, लेकिन माशाल्लाह जब भी हम कहीं जाते हैं तो ऐसे लगते हैं सुंदर सुंदर है ना एकदम नेचुरल। ये मैं, ये बच्चों पार्टी, ये मेरी बहनें और ये बच्चा पार्टी, और ये बच्चा पार्टी। मैं बच्चा पार्टी नहीं, नहीं ये मेरी बहन में आती है। मैं हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं सबके सब, दिखाओ दिखाओ। ऐसे गलत खड़ी। वैसे मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, सच में मेरे घर में बहुत रौनक है इस वक्त। हाँ पता नहीं हम घूमने कब जाएंगे, यानी कि मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि हम कहीं घूमने जाएंगे और पूरा दिन निकल चुका है, शाम हो गई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कैंसिल हो गया, फिर मैं क्या करूँगी। अरे नहीं होगा, चाचू आ गए, चुप बोलो। और यहाँ मेरे जीजू साहब अब तैयार हो रहे हैं और यहाँ मेरे भाई मुझसे आशीर्वाद लेते हुए। मैंने बोला चलो भाई कम से कम चलो तो सही, और मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रहे हैं, मतलब सारे काम आज प्रॉपर उन्हें करने हैं और हम, मुझे नहीं लगता कि मैं सच में जाऊँगी। आपको पूरा ब्लॉग ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है? हम कहीं जाएंगे नहीं, हम जाएंगे 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 और ये भी उतर आएगा, ठीक है ना? और अब हमारे लोग निकल चुके हैं फाइनली। हाँ निकल रहे हैं, अब बैठेंगे हम गड्डी बिच। चलो फाइनली बैठ गए ना तुम लोग, हम भी बैठ गए, बंद करो। चलो बच्चों, तो फाइनली हम आ गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हम यहाँ पर आएंगे। और ये पता है ये जगह कहाँ पर है? जहाँ पहले रहते थे अपने गांव में मुंडिया अहमदनगर, ये वहाँ की जगह है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा द ग्रीन डोर, मज़ा आ गया, हम सब लोग यहाँ आ चुके हैं। अब चलते हैं अंदर और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ का कैसा है वातावरण। हमारी मैडम तो फुदक फुदक कर चलती बनी। और ये रहा, सच में ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं यहाँ एक बार और आ चुकी हूँ इसलिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, सबसे अच्छा व्यू। और मैं इससे भी अच्छी एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखिए आप। और यहाँ की मैं सैर करा देती हूँ आपको बिल्कुल ही मुफ्त में, देख लीजिए यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है ना, मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर।
और चलते हैं इसके अंदर और अंदर। यहाँ से अंदर नहीं जाते, ठीक है ना, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। आइए तो फिर अंदर चलते हैं। ये मैं, मेरे भाई और मेरी नैला, और इसके अंदर हम जाते हुए। सच में ये कितना अच्छा लग रहा है ना। हाय दिल, दिल भी है ना यहाँ पर। और ये दो कोई कह देगा कि हस्बैंड वाइफ हैं, ये कितने अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। और ये वन एंड टू, टू बंगे और थ्री। हाँ तो ये मेरी तीन बहनें, और ये नैला तो सो ही जाती है अच्छे से मोमेंट में, पता नहीं क्यों ही। और ये तीनों अंदर जाते हुए, और मैंने सोचा आपको यहाँ का भी थोड़ा सा नज़ारा दिखाई देते हैं। चलो फटाफट हमने दिखा दिया, अब चलते हैं अंदर, खाते हैं पीते हैं थोड़ा सा, चलें। और यहाँ हमने पिछली बार खाया, और अब हम चलते हैं अंदर की ओर। ये भी दिखाना ज़रूरी है क्योंकि हम इस पर चले थे टुक 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 करते हुए, और हम लोग अब बैठ रहे हैं। और सच में थोड़ी सी भूख ज़्यादा ही लग रही थी हमारे लिए। और आरिफा को तो देखिए अपने बालों पे हाथ फेरते हुए, अब आएगा मज़ा, अब खाएंगे। और सच में ये लड़की देखिए चम्मच दिखाते हुए, और सच में आरिफा इस वक्त बोल रही थी कि सच में पानी पी ले। मुझे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हंसी आई, मुझे लगा मैं ही अपने ब्लॉग में ना देखूँ, इसके लिए मैं खुद भी आ गई। और ये रहा हमारा हक्का नूडल्स, जो सच में बहुत टेस्टी था, खाने में मज़ेदार था। और मेरी नैला देखो कहाँ बैठी है, और ये लड़की मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है कि इसने सारा खा लिया। यहाँ पिंकिया जी भाई से कहती हुई, अरे यार मुझे भी तो दे दो, कब से बैठी हूँ इंतज़ार में। और यहाँ प्लेट अपनी आगे बढ़ाते हुए सना, और आरिफा का मुद्दे को पता नहीं मुझे कब मिलेगा। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। और यहाँ देखिए इन लोगों ने मेरे लिए कितना सा छोड़ा है, पर चलो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लिया मैंने। फिर मैंने अपनी गरीब जनता के पैरों का भी फ़ोटो ले लिया, पैर मत देखना, इनकी जूतियाँ देखना, क्योंकि नई जो लाए हैं। और यहाँ मेरी बाजी अपने बच्चे को खिलाते हुए, और यहाँ पर हम लोग इंजॉय करते हुए खाना खाने के बाद जो खाते हैं उसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। और हम आ गए घर वापस। बच्चों लो पानी की बोतल। अब सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, बच्चे भी क्या, और मेरे पापा भी अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं, यानी कि अपनी क्लिनिक जा रहे हैं। और सच में बुरा लगेगा जाते हुए। और अब सबसे मेन इंसान गाड़ी में बैठने जा रहे हैं, यानी कि अब बाय बाय का टाइम आ गया है। जुमा जुमा तुम्हारे नाम। Ready to set for going. पार्टन। चलो गाइस, ये तो शली सवारी। टाटा बाय बाय बच्चों, बाय बाय। लो जी रवानगी हो गई। कैसा लगा आपको आज का ये ब्लॉग? मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। और आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ और प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और ऐसे ही प्यार, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। तो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे मैं अपना एंड करती हूँ। ओके बाय बाय टाटा।